हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं अपने वर्क पावर एंड एनर्जी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड जितने भी जिस भी तरीके से जो भी टर्म्स यूज़ करके आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए वो सब चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। एज़ यू गाइज ऑल नो कि पेपर पास में है और किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हर एक बच्चे के लिए कि आखिर किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूं या इस क्वेश्चन में इतना पूछा गया है, कहीं मैं ज़्यादा ना लिख दूं, कहीं मैं कम ना लिख दूं, ये हर बच्चे की कन्फ्यूजन रहती ही रहती है। सो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हर एक बोर्ड में, सभी स्कूल्स में ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि सब लोग रिपीटेडली पूछते हैं, तो क्यों ना इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक लास्ट चीज, मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन में आपको भी आगे बढ़ते जाना है, रिप्लाइज करते जाने हैं, सॉल्यूशन करते जाने हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी और फिर एनालाइज कर लूंगी कि किस बच्चे ने सबसे अच्छे से आंसर किया है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, देख लो, समझ लो, दिल में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, फिर सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, m उसका मास है, ठीक है जी, मान ली ये बात, m मास है, एंड रेज टू अ हाइट h, कोई एक m मास की बॉडी है, उसको h हाइट पर रेज कर रखा गया है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1200 जूल। गिवन क्या क्या है? फटाफट से गिवन लिखना होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, बहुत ज़रूरी है उसमें गिवन लिखना। आधी से ज़्यादा चीज़ें एग्जामिनर इसी को देख के खुश हो जाता है आधी से ज़्यादा बार कि यार बच्चे ने मेहनत करी है। गिवन क्या है? मास गिवन है, मास कितना गिवन है? एम। हाइट गिवन है, हाइट कितनी गिवन है जी? एच गिवन है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी तो गिवन है, कितनी गिवन है बताओ? पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 1200 जूल, ठीक है। ठीक है बच्चे पार्टी, इसके बाद अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो फॉर्मूला होता है एम जी एच, यही होता है, इसी की वैल्यू दी हुई है 1200 जूल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो पूछ लो, 1200 जूल किसकी वैल्यू दी हुई है? एम जी एच की वैल्यू दी हुई है। अब देखते हैं टू फाइंड में पहली चीज क्या है। टू फाइंड में पहली चीज बोली गई है कि अगर इसी सेम ऑब्जेक्ट को मास अभी भी हुई है लेकिन हाइट कितनी कर देनी है? एच बाय फोर कर दो। अब बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाइट एच, पहले एच थी, अब एच बाय फोर है, मास का मास रह जाएगा और जी का जी रह जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप इसके इसके लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे एम जी एच की जगह आप लिखेंगे एच बाय फोर। तो क्या आ गया आपके पास? एम जी एच तो आ ही गया लेकिन एक डिवाइड में फोर का फैक्टर आ गया। इक्वेशन वन से बता दो क्या एम जी एच की वैल्यू क्या दी हुई है, क्या दी हुई है एम जी एच की वैल्यू? कमेंट सेक्शन में करते रहो आंसर, रुको मत, करते रहो करते रहो। एम जी एच की वैल्यू इस केस से हमें 1200 पता है, डिवाइडेड बाय फोर कर देंगे 300 बन गया। तो इस केस में न्यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? न्यू पोटेंशियल एनर्जी आ गई अपने पास 300 जूल। क्लियर है ये चीज? पहला केस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया यार, हो गया, क्लियर हो गया, सबको हो गया मुझे लगता है, हर एक बच्चे को समझ में आ गया। देखा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है। बी पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है।
अब जो सेम ऑब्जेक्ट है उसको 4h हाइट पे कर दिया, पहले h हाइट पे करा, फिर पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ जब हमारी h बाय 4 हाइट हो। अब हाइट कितनी दी है, अब हाइट दे दी इस केस में कि 4h कर दो, 4h, g उतना ही रहेगा, m उतना ही रहेगा, ठीक है। अब लिखो पोटेंशियल एनर्जी, अब हो जाएगी एम जी इंटू 4h। कुछ गलती, कोई परेशानी, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी एम जी एच इंटू 4। एम जी एच की वैल्यू यहां से कितनी दी हुई है, एम जी एच की वैल्यू दी हुई है 1200, 1200 इंटू 4। आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में और लिख लो। पहला क्वेश्चन डन हो गया। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, गिवन देखना है, यूनिट्स इसमें है नहीं, सिर्फ जूल है, तो सभी आंसर जूल में है। ये जो आपने यूनिट लिखी है ये आपका एक नंबर खा जाएंगी नहीं लिख के आओगे तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट लिखना, किसी भी केस में नहीं भूलना है, ठीक है। 4800 जूल हो गई अब आपकी न्यू पोटेंशियल एनर्जी। दोनों केसेस अच्छे से समझ में आ गए, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको दोबारा बताने से मना नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। एक मिनट में आपको आपके क्वेश्चन के साथ दे देती हूं। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, रीड केयरफुली। क्या डिफाइन 1 watt ऑफ पावर, इसमें यूनिट को डिफाइन करना है, यूनिट डिफाइन करने के स्टेप्स लिखवा देती हूँ। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें वो कह रहा है कि एक लैंप है वो 1000 joule ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10 seconds में कंज्यूम करता है, तो पावर बता दो। पहले फटाफट से यूनिट डिफाइन करने का तरीका सीख लेते हैं कि किस तरीके से करते हैं। फॉर्मूला लिख लो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला क्या होता है पावर का, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। दूसरी चीज, इस फॉर्मूला में पुट यूनिट्स, यूनिट्स पुट कर दो, ठीक है जी। पावर की यूनिट होती है वॉट और अपने पास वर्क डन की जूल और टाइम की सेकेंड, तो बस सबके आगे 1 1 और लगा दो और इंग्लिश में इसको पढ़ दो। किस तरीके से पढ़ेंगे, 1 watt पावर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 joule ऑफ वर्क is done in 1 second, ठीक है। यही होती है 1 watt की डेफिनेशन, या किसी भी चीज किसी भी यूनिट की डेफिनेशन इसी तरीके से करते हैं। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, पहला पार्ट डिफाइन कर दिया है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का, कि एक लैंप 1000 joule ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाता है। गिवन लिख लेते हैं, सबसे पहले एनर्जी दी है कितनी, 1000 joule। टाइम दिया है कितना, 10 seconds। पावर कैलकुलेट करनी है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी और वर्क डन सेम बात है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, 1000 joule एनर्जी पुट कर दो, 10 seconds टाइम पुट कर दो, कट कर दो, आंसर कितना आ गया, 100 watt। कितना आया आंसर, 100 watt।
अच्छे से क्लियर हो गया सबको? ये दो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स, क्वेश्चन, डाउट सब कुछ पूछते रहो, बताते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? गिवन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन लिख लेते हैं। इफ यू अप्लाई अ 1 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ बुक ऑफ 0.5 kg, सॉरी, हाउ हाई विल इट राइज? गिवन क्या है? एनर्जी कितनी अप्लाई कर रहे हैं हम? एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं 1 जूल। उसके बाद मास ऑफ बुक कितना है? 0.5 kg। देन आपको ब्रैकेट में जी की वैल्यू दी हुई है, ऑलवेज मेक श्योर जो जी की वैल्यू दी हुई है वही लेनी है। अगर इधर 9.8 दी होती तो 9.8 ही दे लेते, अगर 10 दी है तो 10 लेंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया तो 9.8 ले लेंगे। ठीक है, जी की वैल्यू आ गई, मास आ गया, निकालना क्या है? टू फाइंड लिख लेते हैं एक कॉर्नर में, हमें हाइट निकालनी है। मुझे ये बताओ, ये जो एनर्जी है जो हम वर्क डन करते हैं, जो हमारी वर्क डन होती है किसी बॉडी को, किसी बुक को नीचे से ऊपर रखने में, वो कौन सी एनर्जी होती है? कौन सी एनर्जी होती है वो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, कौन सी एनर्जी होती है? हाँ जी बिल्कुल सही, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं हम उसको, जो हमें दी हुई है कितनी? 1 जूल। इसका फॉर्मूला होता है MgH। पुट कर दो सारी वैल्यूज, 1 जूल एनर्जी, मास की वैल्यू 0.5, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एच को इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, 0.5 × 10, ये पॉइंट का ऊपर जीरो लगा दो, 2 से काट दो, 2 / 10 कितना आ गया आपके पास? 0.2 meter हाइट आ गई। क्या आ गया आंसर? हाउ हाई इट विल राइज? 8, आंसर इस तरीके से लिख देना एंड में, इट विल राइज अप टू 0.2 meters। यहां तक छोड़ दोगे तो भी ठीक है, लेकिन यहां तक लिख दोगे, ये एक लाइन लिख दोगे कि व्हेन यू अप्लाई अ 1 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ बुक ऑफ 0.5 kg, इट विल राइज अप टू 0.2 meter। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हेड राइटिंग वाली एड देखी है ना, ये वही वाला हो जाएगा कि एक्स्ट्रा मार्क फॉर दिस लाइन। 0.5 चुम्मेश्वरी बिल्कुल खुश होके देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो इसको अच्छे से, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है बच्चों कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, गिव इट्स रिलेशनशिप विद द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? किलोवाट आर होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आपका एसआई यूनिट से क्या रिलेशन है? एसआई यूनिट है आपकी जूल। ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपनी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमारी होती है किलोवाट आर एंड हमारी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल। कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर और जूल से किस तरीके से रिलेटेड है? अपना ये रिलेशन होता है 1 kWh इज इक्वल्स टू 3.6 × 10⁶ जूल। यही है रिलेशन हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इस बी में, आपको इधर सॉल्व करा हुआ भी दिख रहा होगा, एक बार लिख 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 के देख लेते हैं अच्छे अच्छे से पॉइंट वाइज कि आखिर ये हुआ कैसे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 65 watt इज लाइटेड फॉर 10 hours एवरी डे। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब 60 watt का है, मतलब वॉट दिया है ना, वॉट से पहचान जाओगे कि पावर दी है। ठीक है, इज लाइटेड फॉर 10 hours एवरी डे, टाइम कितना दिया है? 10 hours।
हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब इन वन डे, एक दिन में 10 घंटे जलाता है और कितनी कितनी पावर खाता है, 60 वॉट की पावर का जो बल्ब है वो 10 घंटे रोज जलता है। अब ये पूछ रहा है कि वो आपके घर में बिल आता है ना यूनिट्स के हिसाब से कि एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, ये पूछना चाह रहा है अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितनी एनर्जी, कितना कंज्यूम होंगी यूनिट। तो पहले ये देखने की बात है, ये वन यूनिट हमारी 1 kWh के बराबर होती है। अगर मैं किलोवाट आर में आंसर निकाल लूं, अगर मैंने अपना आंसर किलोवाट आर में निकाल दिया, इसका मतलब मैं यूनिट्स निकाल सकती हूं। किलोवाट आर निकालने का मतलब है वाट को आर से मल्टीप्लाई कर दो, या हमारी एनर्जी निकाल दो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पावर का होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर आप पावर इंटू टाइम कर दोगे तो वो आपको एनर्जी दे देगा। क्लियर है? मतलब 60 × 10 इज इक्वल्स टू, वॉट में है ये, आर में है ये, तो 600 वॉट आर हो गया। लेकिन हमारी एक यूनिट कौन सी होती है? एक यूनिट होती है हमारी किलो वॉट आर में। सबसे इजी काम है, बस इस वॉट को किलो वॉट में बदल दो, वॉट को किलो वॉट में बदल दो। मतलब छोटी यूनिट है उसको बड़ी यूनिट में दर्शाना है, तो क्या करोगे? जैसे ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं, उसी सेम तरीके से वन वॉट को किलो वॉट में बदलने के लिए आप डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो वो किलो वॉट आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो, ये हो गया आपका किलोवाट आर में आंसर। इसकी वैल्यू आएगी 0.6 kWh। क्लियर? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है इस चैप्टर से और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 2 मिनट पढ़ो, आंसर करो, मुझे समझाओ, खुद समझो अच्छे से बिल्कुल। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अ मैन हुज मास इज 50 kg क्लाइम्स अप 30 steps ऑफ अ स्टेयर्स इन 30 seconds। गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन माना जाता है कि मास दिया हुआ है किसी बंदे का कितना, 50 kg। उसके बाद वो क्लाइंब कर रहा है 30 steps पे 30 seconds में, टाइम दिया हुआ है 30 seconds और नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स 30। मतलब ऐसे ये 30 steps है, ये 30 steps है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके 30 steps है। हर एक स्टेप की हाइट दी है 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ईच स्टेप कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो मैन है इसने एक स्टेप चल लिया, इसका मतलब वो 20 सेंटीमीटर हाइट क्रॉस कर लेता है। 2 स्टेप चल लिए 40, 3 चल लिए कितने कितने 60, तो मतलब जितने नंबर ऑफ स्टेप चढ़ता जाएगा उतना ही हमारी हाइट बढ़ती जाएगी। क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या ये बात बिल्कुल सही है? अब जब आप देखोगे कि आपको कैलकुलेट करनी है पावर, टू फाइंड निकालना है पावर, पावर का फॉर्मूला होता है आपका वर्क और एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही होता है। इसमें पावर का जो ये फॉर्मूला है वर्क डन में, या एनर्जी किस तरीके से निकलेगी, ये वर्क डन हमारा एनर्जी की फॉर्म में खर्च होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, MGH से निकालेंगे।
मास पता है, ग्रेविटी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने हाइट निकालनी है, एक स्टेप की हाइट है, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो टोटल हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे? जैसे मैंने बताया, एक स्टेप चढ़ेंगे तो 20, दो स्टेप चढ़ेंगे तो 40, तीन स्टेप चढ़ेंगे तो 60, चार चढ़ेंगे तो 80, इसीलिए अगर 30 स्टेप हैं तो 20 सेंटीमीटर के हिसाब से 3 × 6 = 600 सेंटीमीटर हाइट है, या फिर अगर मैं इसको मीटर में लिखना चाहूं तो 6 मीटर हाइट। इज इट करेक्ट? समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है, अब निकालते हैं एनर्जी। मास की वैल्यू है 50 किलोग्राम और मैंने इसको मीटर में क्यों बदला है? मीटर में क्यों बदला है? एक तो हमारे पास जी की वैल्यू मीटर में है और हमें सारी चीजें SI यूनिट्स में ही रखनी चाहिए, तब ताकि हमारा आंसर अच्छे से इजीली आ जाए और कोई गड़बड़ ना हो। जी की वैल्यू रख दी 10, हाइट की वैल्यू रख दी 6, मेरे पास आ गया 30, 1, 2, 3, कितनी? 3000 जूल एनर्जी। 3000 जूल एनर्जी आ गई। पावर के फॉर्मूले में इस एनर्जी को पुट कर देंगे। पावर निकालने के लिए किसी और पेन से लिख लेती हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पावर के लिए क्या करोगे? पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम है या वर्क डन पर यूनिट टाइम है। एनर्जी आई है अपने पास 3000 जूल, टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड्स। क्या आ गई पावर? पावर इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 100 वॉट। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, क्या दिया गया है इसमें हमारे पास? मास दिया था, स्टेप दिए थे 30 स्टेप, हर एक स्टेप की हाइट दी थी और ये टाइम दिया था कि इस टाइम में हमारे पास ये सारी की सारी स्टेयर्स वो बंदा चढ़ जाता है। अगर ऐसे 20 सेंटीमीटर की एक स्टेप की हाइट थी तो वो कह रहा था कि पावर कैलकुलेट करो। ठीक है, देखो इसने भी इस तरीके से किया है। वर्टिकल हाइट किसने निकालेंगे कि एक स्टेप की हाइट से नंबर ऑफ स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 600 सेंटीमीटर आ गया और 6 मीटर। हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू दी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारे पास मास ऑफ द बॉय दिया है 50 kg और हमारा क्या है, सिंस यही जो हमारा वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी को गेन करने में यूज हुआ है, तो इसीलिए हमारा वर्क डन जो है वो इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। वही हुआ, वर्क डन निकाला, पावर डेवलप्ड बाय टू बाय द बॉय, वर्क डन अपॉन टाइम किया, वर्क डन की वैल्यू ये थी, टाइम ये था 100 वॉट, हमने भी निकाल दिया 100 वॉट, इसने भी निकाल दिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसके बाद, अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई हो अच्छे से तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं, दोनों केसेस को सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। गिवन क्या क्या है आपके पास? गिवन है मास दिया है कितना m, वेलोसिटी दी है कितनी 5 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी दी है आपके पास 25 जूल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल? पहले काइनेटिक एनर्जी दी है आपको इस तरीके से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो ½mv². मास की वैल्यू नहीं दी ना, तो इससे मास की वैल्यू निकाल लेते हैं, 25 = 1/2 × मास × वेलोसिटी² मास की वैल्यू निकल जाएगी इधर से कितनी, 25 / 5 × 5 × 2, 2 इधर गया, 5 × 5 नीचे आया। ठीक है जी,
ये दोनों कैंसिल हो गए तो मास की वैल्यू आ गई अपने पास 2 kg। आ गई मास की वैल्यू 2 kg। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल, और दूसरा केस पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 times। वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 times और डबल, दोनों चीजें कर दी गई हैं। मतलब पहले वेलोसिटी वी थी तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2v। पहले वेलोसिटी 5 थी तो अब वेलोसिटी 5 × 10 m/s हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो इजीली। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½mv2। मास हमने इससे निकाल लिया है कि हमारा 2 kg आ गया है। मास आ गया है 2 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 10 × 10। कितनी आ गई आपके पास इस केस में 100 joule काइनेटिक एनर्जी आ गई है, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, 10 × 10 हमारे पास 100 होता है। ठीक है जी, केस 1 हो गया है, बहुत ही इजी था, बहुत आसान था। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या करा गया है, अब वेलोसिटी को 3 times कर दिया गया है। पहले वेलोसिटी v थी, अब वेलोसिटी को 3v कर दिया गया है, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद अगर पहले वेलोसिटी 5 थी तो अब 3 × 5 कर देंगे, यानी कि 15 m/s कर दिया गया। एक सेकेंड, इज इट क्लियर? मुझे फटाफट से इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बता दो यार, फिर कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में किसका सबसे पहले आंसर आएगा, देखते हैं। देखो बच्चों जल्दी देखो किसका सबसे पहले आंसर आया है, क्या आ जाएगा आंसर? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2mv2। मास हमने निकाल लिया 2 kg, 15 × 15 कितना होता है आंसर बता दो, उतने जूल आ जाएगा। क्या है आंसर, देख रहे हो ना, बिल्कुल सही। पहले क्या करा, यूजिंग द एक्सप्रेशन हमने मास की वैल्यू निकाल ली कितनी 2 kg, फिर केस 1 में डबल करा, वी को 10 m/s करा, 100 joule आंसर निकाल दिया। तीसरे केस में वेलोसिटी को ट्रिपल किया, 15 वेलोसिटी आई, मास हमारे पास 2 है, 2 से 2 गया, 15 का स्क्वायर 225 joule। क्या आ जाएगा 225 joule, हम आंसर लिखना भूल गए थे, 225 joule हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2 मिनट अपना सुस्ता लो, देख लो कि ये क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट वेलोसिटी फ्रॉम 5 m/s टू 2 m/s। वर्क डन निकालना है। आप मुझे एक बात बताओ, किसी बॉडी के पास एक काइनेटिक एनर्जी है, वो मोशन की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है, कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आपके पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा कि पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी और फिर कितनी काइनेटिक एनर्जी हो गई, उसके चेंज को ही हम वर्क डन कह देंगे। पहले काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2 m/s है आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2mv2। तो इसमें फटाफट से वैल्यू पुट कर दो, 1/2mv फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2mv इनिशियल का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो,
गिवन नहीं लिखा बहुत ही बुरी बात है, गिवन साइड पे लिख देते हैं ताकि इजी हो जाए। मास की वैल्यू दी है 20 kg, इनिशियल स्पीड चेंज कर रही है 5 m/s से, इनिशियल स्पीड दी है, इनिशियल स्पीड कितनी है वो है आपके पास 5 m/s, फाइनल स्पीड कितनी है वो है आपके पास 2 m/s। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन, जो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा किससे डिनोट होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आपकी जो है, और आगे हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ वी इनिशियल स्क्वायर। हाफ एम की वैल्यू 20 kg, वी फाइनल की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 मास 20 kg इंटू 5 का स्क्वायर, हाफ इंटू 20 इंटू 4 - 25 ये गया। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। 10 × 21, लेकिन ये 25 माइनस में है तो आंसर कितना आएगा माइनस में, तो कितना आ गया -210 joule। ये जो वर्क डन आपने निकालना था, जो आपसे वर्क डन पूछा गया था उसकी वैल्यू क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 210 joule, और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वर्क डन स्लो मतलब स्लोइंग हो रहा है, कि उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, ये इंडिकेट कर रहा है वर्क डन। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, देख लो इसमें भी यही आंसर आ रहा है -210 joule। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वर्क जो है वो बॉडी को स्लो डाउन करने में यूज हुआ है। ये आपका कुछ तरीका है कि किस तरीके से आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर में, किस तरीके से कर सकते हो कि पहले लिख दो फटाफट कि वर्क डन जो हुआ है बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लिख दोगे तो 1 number extra +1। मास फाइनल इनिशियल वर्क डन निकालने के लिए यही एक्सप्रेशन यूज किया गया है, हमने वी इनिशियल वी फाइनल नाम रख दिया, इन्होंने वी और यू नाम रख दिया है, ठीक है। वर्क डन निकाल दिया -210 joule, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारी प्रोसेस धीरे हो रही, मतलब स्लो हो, मतलब कि स्लो कर रही है बॉडी को। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ओके, चलिए 3 क्वेश्चन रहते हैं आपके। इज इट पॉसिबल दैट अ बॉडी कैन बी एक्सेलरेटेड मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स येट नो फोर्स इज बीइंग डन बाय द फोर्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि बॉडी पे कोई फोर्स ना लग रहा हो, कोई वर्क ना हो रहा हो उसके द्वारा। नो वर्क डन बाय फोर्स, लेकिन फिर भी एक एक्सेलरेशन हो रहा हो बॉडी में किसी फोर्स की वजह से। किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है तो हमारे न्यूटन्स लॉ के कारण यही कहता है ना, वो पहला लॉ यही कहता है कि अगर एक्सेलरेशन हो रहा है उस बॉडी में तो कोई ना कोई फोर्स होगा। सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है तो कोई ना कोई फोर्स होगा, एंड कोई ना कोई फोर्स है तो वर्क डन तो होगा। तो कोई एक ऐसा केस बता दो रियल लाइफ का जिसमें फोर्स और एक्सेलरेशन तो हो रहा हो लेकिन आपके पास कोई वर्क डन नहीं हो रहा हो। दीवार को खिसकाना लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, वो एक केस है 0 वर्क डन का जहां फोर्स यूज हो रहा है लेकिन वहां एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। कंडीशन क्या क्या है इसकी, पहला कि बॉडी में एक्सेलरेशन होना जरूरी है यानी कि मोशन भी हो, और उस बॉडी में नो वर्क डन हो। तो ऐसा एक ही एग्जांपल है मेरे बच्चों, वो है हमारा सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। सर्कुलर मोशन में क्या कहता है हमारा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हमसे कहता है कि हमारी बॉडी के पास
मोशन. अरे ओहो चलो बिल्कुल सही पॉसिबल है जिसमें एक्सेलरेशन हो प्लस नो वर्क डन हो, तो वो वाला हमारे पास केस बनता है सर्कुलर मोशन का. इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन होता है. ये हमारे पास सर्कुलर मोशन, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सॉरी, हमेशा सेंटर की टुवर्ड, जिसकी वजह से हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन होता है. लेकिन इसमें कोई भी वर्क डन नहीं होता. क्यों? क्योंकि बॉडी जिस पॉइंट से चलती है उसी पॉइंट पे जाके वापस आ जाती है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसीलिए इसको वर्क डन को जीरो कहते हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका? टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, मास है m1 और m2, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी भी ke, इसकी भी ke. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये मैंने कराया हुआ है आप लोग को क्लास में. हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है. मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और सिर्फ एम वी लिखते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मैं क्या करती हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, एम से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एम से डिवाइड कर देती हूँ, हाफ एम और ऊपर एम वी का होल स्क्वायर बन जाएगा. क्या मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकती हूँ, पी स्क्वायर बाई टू एम. दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, पहले की लिख लेती हूँ, उसका मोमेंटम होगा पी वन स्क्वायर बाय टू एम वन. दूसरे की काइनेटिक एनर्जी लिख लेती हूँ पी टू स्क्वायर बाय टू एम टू. दोनों की लिख लीजिए दोनों की, सबने लिख ली. इन दोनों का रेशियो निकाल दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है. तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी वन स्क्वायर बाय टू एम वन मल्टीप्लाइड बाय टू एम टू बाय पी टू स्क्वायर. ये तो कट गया, पी वन स्क्वायर बाय पी टू स्क्वायर लिख लो एक जगह पे, इसको टू एम वन ऊपर ले आओ, इसको टू एम टू नीचे ले आओ. उसके बाद क्या करोगे यार, P1 P2 का रेशियो निकालना है ना लीनियर मोमेंटम का, तो लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालने के लिए ये 2 से 2 कट जाएगा, इस स्क्वायर को वहां जाके अंडर रूट बना देते हैं. सो P1 by P2 will be equals to M1 by M2. ठीक है बच्चे बाटी, सब अच्छे से क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया, यही आ रहा है ना रेशियो. इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना. क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है? हाँ, ये पॉसिबल तो है कि किसी एक सर्कुलर पाथ में कि एक्सेलरेशन हो, किसकी वजह से, सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो, लेकिन हमेशा वर्क डन इसमें जीरो होता है, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट होती ही नहीं है, या फिर आपके पास हमेशा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल रहता है, और जब भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है तो हमारे पास वर्क डन जीरो आता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आप लोगों से, इसको ध्यान से पढ़ो कि व्हेन इज द वर्क डन बाय द फोर्स इज सेट टू बी नेगेटिव. नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन कब कहा जाता है? जब किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है. और एक सिचुएशन दो जिसमें, गिव वन सिचुएशन इन विच वन ऑफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव वर्क एंड अदर इज डूइंग नेगेटिव वर्क, जिसमें एक फोर्स तो नेगेटिव वर्क कर रहा हो और दूसरा पॉजिटिव वर्क कर रहा हो, ऐसा कोई एग्जांपल दो. कोई दे सकता है कमेंट सेक्शन में? देखते हैं कौन सबसे पहले देगा ये आंसर. ठीक है, व्हेन इज द वर्क डन बाय फोर्स इज सेड टू बी नेगेटिव, ये तो सबको पता होगा यार, ये तो सबको पता होगा कि नेगेटिव वर्क डन किस में होता है.
नेगेटिव वर्क डन हमारा हमेशा होता है, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन का वो वाला केस है बेटा व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तब होता है आपके पास नेगेटिव फोर्स, कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है. हमारे पास जो एंगल होता है ना, एंगल वो 180 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, दो एग्जाम्पल दूंगी. दोनों एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूं, ये याद रखो, मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं अपने हाथ से ऊपर की तरफ उठा रही हूं. मुझे ये बताओ, अगर मैं इस बॉक्स को, मान लो ये बॉक्स यहां पर रखा है, मुझे इसको ऊपर उठाना है, मैं अपने हाथ से जो फोर्स लगा रही हूं, मैं इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही हूंगी ना, इस बॉक्स पे मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगी ताकि ये बॉक्स हमारा ऊपर की तरफ उठ जाए. ठीक है, फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी. जब मैं इस बॉक्स को ऊपर की तरफ उठा रही हूंगी तो डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर की तरफ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रही है. यहाँ F और S सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, ये हो गया पॉजिटिव वर्क. लेकिन इसी केस में हमें एग्जाम्पल कैसा देना है, कि एक ही चीज हो रही हो लेकिन दोनों वर्क हो रहे हो अलग अलग फोर्सेस की वजह से. मैं जो फोर्स लगा रही हूं उससे तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, मुझे ये बताओ जो ग्रेविटी फोर्स लगाएगी इस बॉक्स पे वो तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा. ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, ये तो सब मानते होंगे. ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो अपने पास फोर्स है, ये जो है ये इस तरीके से लग रहा है, ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. ये कौन सा फोर्स है? ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. अब आप देखोगे लेकिन बॉक्स ऊपर की तरफ उठ रहा है, मैं फोर्स अपने हाथ से ऊपर की तरफ लगा रही हूं, वो हो गया पॉजिटिव वर्क डन. लेकिन ग्रेविटी नीचे लग रही है फिर भी बॉक्स ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा है, उठता चला जा रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो गई, फोर्स इस साइड हो गया, एंगल 180 डिग्री का बन गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बन गए. ये अपना एग्जाम्पल हो गया हमारे पास किसका, कि वो केस जब सिचुएशन, वो सिचुएशन जिसमें एक फोर्स के द्वारा तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है और वो फोर्स है जो मैं अपने हाथ से लगा रही हूं, और अदर फोर्स जो नेगेटिव वर्क कर रहा है वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? इसी तरीके से, सेम तरीके से एक और एग्जाम्पल है, आंसर में देख लेते हैं. ये तो ठीक है, जो थीटा अगर 180 है तो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन होगा. ठीक है, अरे अरे कॉस 0 0 होता है क्या? हाँ कॉस 0 0 होता है. अच्छा, वे थीटा इज द एंगल, थीटा इज बिटवीन 90 एंड 180. चलो ये तो छोड़ो, 90 एंड 180, आपको सिर्फ इतना ही आंसर करना है कि 180 हो. जब आप अपना क्वाड्रेंट पढ़ेंगे इस तरीके से, तो ये जो 90 और 180 की लाइन होती है इसमें नेगेटिव फोर्स बताया है इसने. आप कुछ भी लिख सकते हो, ये वाला आंसर भी है जो मैंने बताया. इसने एक और एग्जांपल दिया है कि जब बॉडी नीचे गिर रही होती है ग्रेविटी में, तो बॉडी भी नीचे गिर रही है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, ये हो गया पॉजिटिव वर्क. लेकिन आपके पास इसी टाइम एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा होता है जो उस बॉडी पे ऊपर की तरफ लगेगा. तो आपके पास ये दो फोर्स हो गए जो आप नेम कर सकते हो, कि फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रहा है लेकिन बॉडी नीचे आ रही है, ये हो गया नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल. और पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल तो हमें पता ही है कि बॉडी भी नीचे जा रही है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, इसीलिए ये हमारी सिचुएशन हो गई जिसमें हमारे पास एक और एग्जाम्पल हो गया.
ठीक है, अच्छे से समझ में आया, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर के साथ यार, उसमें और सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो यार, डाउट्स अपने भेजते रहो कमेंट सेक्शन में, डाउटनेट की ऐप पर, सभी टीचर पे धमाल मचा दो, पेपर आ रहे हैं पेपर आ रहे हैं, डाउट सॉल्व कर दो, डाउट सॉल्व कर दो। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।